हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सोनम कुंडू है और मैं एक एंडोडोंटिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे होम रेमेडीज फॉर टूथएक, यानी कि घरेलू नुस्खे जो हमारे दर्द को, दांत के दर्द को ठीक करेंगे। देखिए, दांत का दर्द किसी भी कारण के वजह से हो सकता है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हम एकदम डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं कर सकते हैं, कभी हमारे पास टाइम की लिमिट होती है, या कभी कभार रात होती है तो उस टाइम पे कोई क्लिनिक्स अवेलेबल ऐसा नहीं होते हैं। तो उस दौरान हम क्या कर सकें घर में बैठे बैठे ताकि हमारे दांतों का दर्द ठीक हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल क्या होता है, उसको हमने एक कॉटन के छोटे से पैलेट पे ले लिया, पीस पे ले लिया, वहाँ दांत पे उसमें ऑयल लगा के कॉटन पे दांत में रख दिया, उससे आराम हो सकता है हमारे दांत को। देखिए, क्लोव ऑयल में एक एंटीसेप्टिक होता है, उसमें यूजिनॉल होता है जो एंटीसेप्टिक और नमिंग एक्शन प्रोवाइड करता है। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हम सबके घरों में क्लोव ऑयल नहीं होता है, बट जो लौंग है वो बहुत कॉमनली हमारे घरों में पाई जाती है। लौंग को हम क्रश करके पीस के उसके पाउडर को भी हम दांत में रख सकते हैं। ये तो हो गया एक घरेलू नुस्खा। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अदरक, जिसे हम जिंजर बहुत कॉमनली हमारे घरों में पाई जाती है, जिंजर का पेस्ट बना के या उसको एकदम फाइन करके हल्का सा उसमें नमक मिला के वो भी हम दांत पर रख सकते हैं, उससे भी हमारे दांत के दर्द में फ़र्क पड़ता है। तीसरा घरेलू नुस्खा कि जैसे कि नीम, जिसे हम दातुन बोलते हैं, नीम जो पहले के हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, उसका हम पाउडर बना के क्रश करके, दांतों को क्रश करके वो भी हम दांतों में रख सकते हैं। फोर्थ जो हमारा काम आएगा घरेलू नुस्खा, वो हो सकता है कि जो नीम के जो पत्ते होते हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पत्तों को पानी में बॉयल करके उससे हम कुल्ला करें तो जो भी इन्फ्लेमेशन है वो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और एट द एंड हम हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के भी कुल्ले कर सकते हैं, वॉर्म सलाइन रिंसेस जिसे हम बोलते हैं, ताकि हमारे दर्द में हल्का फुल्का आराम पड़ जाए। अगर ये सब घरेलू नुस्खे करने के बाद भी हमारे दांतों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है तो अगले दिन ही तुरंत आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं और अच्छा सा अच्छा इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।